नोटबंदी का आज 35वां दिन है, पर तस्वीर अभी तक वही है। बैंकों के बाहर लंबी कतारें हैं, एटीएम कैशलेस पड़े हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे दावे किए गए, पर आम आदमी को राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। इस नोटबंदी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन ला दिए हैं। राहुल गांधी बोलते हैं मोदी सरकार ने ईमानदार लोगों को सिर्फ लाइनें दी हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया। ओवैसी ने कहा इस फैसले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने दिल्ली की जनता से नोटबंदी पर कुछ बातें की और जाना इस पर जनता क्या सोचती है। दरियागंज के इस कॉर्पोरेट बैंक के बाहर हम जानेंगे जनता से, जो अभी AIMIM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, जिनका बयान आया था कि जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बैंकों में पैसा नहीं डाला जा रहा है। एक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है केंद्र सरकार की नीति पर। तो हम जानेंगे जनता से क्या उनका कहना है इस पर, इस बयान पर। आप लोगों का क्या कहना है, क्या ऐसा कुछ आप समझते हैं कि मुस्लिम बैंकों में पैसा नहीं आ रहा? आ रहा है लेकिन कम मिल रहा है, आ रहा है, कभी खाली नहीं गए यहाँ से। इस तरह के जो बयान है क्या देने चाहिए किसी राजनीतिक नेता को यहाँ पर जनता के बीच में, क्योंकि लोग अपनी परेशानियों से परेशान हैं? बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा, ये तो गलत कह रहा है, मिल रहा है, कम मिल रहा है। मतलब बैंकों में जो हम कहें चलो समस्या है, लेकिन कुछ आप समझते हैं इस बात को कि ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार कुछ एरियों में पैसा भेजे और कुछ में ना भेजे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं बराबर, थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, 4,000-4,000 दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, उधर वाले 2,000 देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जो बयान है ये एक बहुत बड़ा बयान है उनका, और जनता जो है इस बात से सहमत नहीं है कि जगह जगह जो है सभी बैंकों में पैसा जा रहा है, लेकिन जो समस्या है जनता को बैंक द्वारा हो रही है, क्योंकि बैंक जो है सही से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जगहों पर पैसा जा रहा हो या मुस्लिम एरिया में जा रहा हो या अन्य कम्युनिटी के एरियो में जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है, इस तरह के बयान देना कोई ठीक है क्या? नहीं, बयान देना ठीक नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं, सब जगह पैसा सेम आ रहा है, कोई किसी भी जगह कोई भी ब्रांच हो सब जगह पैसा सही है। आज 35वां दिन है और 3 दिन बाद बैंक खोले हैं, आप लोग बिल्कुल परेशानी नहीं है? आपका क्या? बहुत अच्छा हुआ है, जो थोड़ी समस्या नहीं वो सब ठीक है, उसी लिए कोई समस्या नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ, ओवैसी का पूरा ड्रामा है, ओवैसी का यही काम है, राजनीति करना, मुस्लिम राजनीति करना, और कुछ नहीं काम, उनके पास कोई काम नहीं है, उससे देश से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं, केवल मुस्लिम राजनीति वाला, उनके पास कोई चारा नहीं, बस की कहानी। आप देख रहे हैं किस तरह से बयान को लेकर भी लोगों में खासी गुस्सा देखने को मिल रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल कोई तथ्यहीन है। अगर उनको हम बोलेंगे कि एक नाले से पानी जा रहा है और उसमें हिंदू पी रहे अलग से और मुसलमान पी रहे अलग से, वो ऐसी बात करते हैं उस तरीके से। अगर ATM में कैसे तो सारे निकल रहे हैं, सभी लाइन पे हैं, पूरे देश लाइन में है, ना हिंदू ना मुसलमान, तो ये एक आधारहीन है, वो अपनी राजनीति फायदे के लिए दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? ठीक है, अब जो मोदी जी ने किया है वो किया तो ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था नहीं की गई। व्यवस्था के कारण, क्योंकि इतना लंबाई 34-35 दिन का समय हो गया और इतना लंबाई खींचना पब्लिक के लिए परेशान है, और दूसरा गरीब के नाम से कोई भी बेनिफिट लेना वो ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी के नाम से ही आज की डेट में जो भी हमारे लीडरशिप है वो गरीब के नाम से ऊपर जाती है, लेकिन गरीब को कुछ नहीं मिलता। पॉलिटिक्स है, पैसा तो जा ही रहा है, तकरीबन जो भी जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, ये तो एक पॉलिटिक्स बयान है, एक बैकआउट करना, वो करना, आपस में अपोजिट और उनका बयानबाजी है, इसमें हम कोई वो नहीं कह सकते। नोटबंदी का आज 35वां दिन था, हमने जनता से जाना क्या उन लोगों को परेशानियां हो रही हैं, और केंद्र सरकार पर लगातार विपक्ष जो निशाना साधता रहा है कि लोगों की समस्या है, उनके बारे में भी जनता से हमने जाना, और साथ ही जो एक हाल ही में बयान आया था ओवैसी का कि जो अन्य बैंक है मुस्लिम बैंक है वहाँ पर पैसा नहीं पहुँच पा रहा है, इसको लेकर उन्होंने एक सांप्रदायिक बयान दिया, जो उस पर भी हमने जनता से जाना, जिसमें जनता का कहना है कि ये जो बयान है ये एक तर्कहीन बयान है, जिसमें जनता जो है कोई सहमत नहीं है इसमें कि ऐसा कुछ हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। सभी लोग, सब जगह एक ही व्यवस्था है, सभी लोग परेशान हैं, और कुछ जगह जहाँ पैसे की लिमिट रखी है उसी हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। इस बात को लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो राजनीति है एक ओछी राजनीति को जन्म देता है। इस तरह के बयानों से राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए और राजनीतिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी बचना चाहिए, ताकि जनता में कोई एक आक्रोश पैदा ना हो, ताकि जनता अपनी समस्याओं से जो जूझे उनका समाधान आराम से कर सकें। कैमरामैन कामिल कुरैशी के साथ मुकेश गुप्ता, मीडिया।